मेरा नाम नेहा शर्मा है, मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कला शिवालय है। आज मैं आपको कला उत्सव के मौके पर संतोलिया खेल के बारे में बताऊंगी। संतोलिया खेल, जिसे लगोरी गेम भी कहा जाता है, यह गेम कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। करीब 5000 साल ये पुराना गेम है। आइए मैं आपको बताती हूँ संतोलिया कैसे बनाते हैं और इसे खेला कैसे जाता है। इसको खेलने के लिए हमें 7 ठिपियों की ज़रूरत पड़ती है और एक संतोलिया की ज़रूरत पड़ती है। मेरे यहाँ 7 ठिपियाँ और एक संतोलिया। खेलने से पहले हमें 2 टीमों की ज़रूरत पड़ती है। ये आ गई 2 टीम। दोनों टीमों में बराबर बराबर खिलाड़ी हो चुके हैं। गेम को स्टार्ट करने से पहले हमें टॉस करना होगा। टॉस करने के लिए ये वाली, हमारी वाली टीम ने ये वाली साइड ली है और इनकी वाली टीम ने ये वाली साइड ली है। अब हम टॉस करेंगे। जो साइड मैंने मांगी थी वही साइड आई है हमारी टीम की, और जो हमारी वाली साइड थी वो थी सीकर, और जो इनकी वाली टीम थी वो थी हीटर गेम। इस गेम को स्टार्ट करने से पहले हमको एक खुला मैदान चाहिए। आइए हम खुले मैदान में चलते हैं। अब ये देखो, हम दूसरी वाली टीम के खिलाड़ी चारों ओर फैल चुके हैं, और ये हम अब जब मैं ठिपियों को बॉल से टच करूंगी, ये बॉल को उठा के हमारी टीम को टच करने की कोशिश करेगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बार, मुझे इस गेम में 3 चांस मिलेंगे। मैंने एक बार नहीं किया, मुझे दूसरा चांस मिलेगा। अब मैंने इसको गिरा दिया। ये वाली टीम हमें इसके साथ टच करने की कोशिश करेगी और मेरी टीम टिप्पणी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेगी। ये वाली टीम ने हमें इस बॉल के साथ टच कर दिया, हम आउट चुके हैं। अब इनकी टीम को चांस मिलेगा खेलने के लिए। हमारी वाली टीम इस साइड आई, टीम को चांस मिलेगा। ये वाली टीम अगर ये ठिपके को गिरा देगी और हम इनको इस बॉल से मारने की कोशिश करेंगे। पर हमारी टीम ने इनको आउट कर दिया है। अब इनकी टीम की दूसरे प्लेयर को मौका मिलेगा। अब इनकी टीम के दूसरे खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलेगा। हमारा आज खेल संतोलिया का, और इसे इस खेल को जम्मू में संतोलिया ही बोला जाता है और पंजाब और हिमाचल में इसे पिट्ठू कहते हैं। कर्नाटक में इसे लगोरी गेम कहा जाता है। बस धन्यवाद।